हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज। आज एक बहुत ही सिंपल वे से आपको होममेड पनीर बनाना बता रही हूँ। बहुत ही आसान है घर में बिल्कुल फ्रेश पनीर बनाना। तो पनीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने करीब 1 किलो पनीर बनाया है, उसके लिए मुझे 6 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ी है। तो हम 6 लीटर दूध लेंगे और एक मोटे तले वाले बर्तन में इसको रख के हम उबालेंगे। हमें इसे अच्छे से उबालना है, एक बॉईल इसमें आना चाहिए। जैसे ही हमारा ये बॉईल आ जाए, हम अपनी गैस को ऑफ़ कर देंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक इसको हम सेटल डाउन होने देंगे। देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम डालेंगे सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर। हम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में इसे डालेंगे, नियर 1/4 कप के आसपास हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर, पर स्मॉल पोर्शंस में डालेंगे। और जैसे हमें लगेगा कि ये कर्डल होने लगा है, हम वाइट विनेगर ऐड करना बंद कर देंगे। तो देखिए, अभी ये अच्छे से कर्डल नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा और सफ़ेद सिरका डालूँगी इस तरह से, और इसे हिलाते रहूँगी। इस समय मेरी गैस ऑफ है, गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। और देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट कर्डल हो गया है, अच्छे से ये हमारा फट चुका है दूध। तो अब इसको मैं एक साफ़ कपड़े में कलेक्ट कर लूँगी। देखिए, काफ़ी अच्छे से कर्डल हो गया है, इसे हम एक साफ़ से कपड़े में कलेक्ट कर लेंगे। किसी भी कॉटन के कपड़े में या दुपट्टे में हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और इसे अच्छे से हम पानी से, साफ़ पानी से धोएंगे करीब 4 से 5 बार, ताकि कोई भी खटास इसमें ना रह जाए। और उसके बाद हम फाइनली इसको अच्छे से टाइट बांधेंगे और हम किसी हैवी वेट के नीचे इसे रख देंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है इसे करीब 4 से 5 घंटे तक, ताकि इसके अंदर जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। तो देखिए, 5 घंटे के बाद ये किस तरह से दिखता है। देखिए, हमारा जो पनीर है ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए, अब 1 घंटा हो चुका है। मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ। देखिए, कितना सॉफ्ट पनीर है, ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है। आप इसे जैसे चाहें यूज़ कीजिए, घर का बना हुआ पनीर बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो आप भी अपने घर में पनीर बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए या आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।